नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीआर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 में आपकी राशि के लिए विवाह के योग कब बनेंगे, कब आपका रिश्ता तय होगा, कब विवाह संपन्न होगा, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों, हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, विवाह के लिए अगर किसी की कुंडली को देखा जाए तो सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में विवाह का अध्ययन करने के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है। सप्तम भाव के मालिक की दशा या अंतरदशा जब भी कुंडली में प्रभावी होती है तो विवाह के योग बनते हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि देखिए, आप अपनी कुंडली में सबसे पहले देखिए कि सप्तम भाव की क्या स्थिति है। अगर सप्तम भाव शुभ स्थिति में है तो आपका विवाह उतना ही जल्दी होता है, और सप्तम भाव पीड़ित होने की दशा में आपके लिए स्थितियां बिगड़ जाती है। कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आती रहती है, किसी ना किसी कारणवश बात आगे बढ़ती रहती है, विवाह होने में बड़ी दिक्कतें आती है। अब देखिए दर्शकों, अगर आप ज्योतिष का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो आप अपनी कुंडली में स्वयं देख सकते हैं कि सप्तम भाव की क्या स्थिति है। अगर आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। अब देखिए दर्शकों, विवाह के लिए जितना सप्तम भाव महत्वपूर्ण है, उतना ही गुरुदेव बृहस्पति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में हमारे जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से ही होते हैं। जब गोचर में गुरुदेव बृहस्पति का सपोर्ट सप्तम भाव को मिलता है, तब विवाह की प्रबल संभावनाएं बन जाती है। अब देखिए दर्शकों, आपकी राशि के लिए देखते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति ट्रांजिट में कब विवाह के योग बना रहे हैं, किस महीने में आपका विवाह होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। देखिए दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु की स्थिति को समझें तो गुरु का गोचर अभी आपकी राशि से सप्तम भाव में ही हो रहा है, क्योंकि वृषभ राशि में ही गुरुदेव गोचर कर रहे हैं और अभी सेवंथ हाउस आपकी कुंडली में ऑलरेडी एक्टिवेट है। ये आप मान के चलिए अप्रैल या मई के आसपास गुरु आए थे वृषभ राशि में, और अभी से लेकर ये 2025 के 14 मई तक रहेंगे वृषभ राशि में, यानी 14 मई तक आपकी कुंडली में प्रबल विवाह का योग बना हुआ है। और मान लीजिए अभी भी आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो फिर ये निश्चित मानिए कि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति पीड़ित है, क्योंकि सप्तम भाव तो ऑलरेडी आपकी कुंडली में एक्टिवेट है। अब देखिए, आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए क्या स्थिति है सप्तम भाव की। अगर बहुत ज्यादा ग्रह स्थिति पीड़ित है, उसी कंडीशन में ये गुरु का गोचर आपका विवाह नहीं करवा पा रहा होगा, इसके आपको उपाय जरूर करने चाहिए। अब देखिए, जो समय बीत गया उसको तो छोड़िए, अब आने वाले समय में आपका विवाह कब होगा उसकी बात करते हैं। देखिए, गुरु आपके सप्तम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं और ये मई 2025 तक यहीं रहेंगे। इसके बाद आपकी कुंडली में विवाह के योग कमजोर हो जाएंगे, इस बात को समझिए। मई से पहले ही आपको विवाह करने का प्लान करना चाहिए। अब देखिए, सबसे जो खास महीने रहेंगे इस वर्ष आपके लिए, तो दिसंबर 2024 बहुत अच्छा रहेगा, यानी आने वाला महीना आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। अगर कोई अच्छा रिश्ता आया हुआ है तो आप ज्यादा टालम टोल मत कीजिए, उसके बारे में सोचिए और विवाह करने का प्लान करिए, क्योंकि दिसंबर बहुत खास साबित हो सकता है आपके लिए। इसके बाद नया वर्ष 2025 का जनवरी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, जनवरी में भी विवाह होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। इसके बाद देखिए दर्शकों, फरवरी और मई 2025, ये 2 महीने भी बहुत अच्छे रहेंगे। फरवरी और मई में भी आपके लिए विवाह के योग प्रबल रूप से बन रहे हैं, यानी अभी से लेकर ये 4 महीने आपके विवाह की प्रबल संभावनाएं बता रहे हैं। आपको प्रयास करना चाहिए, कोई अच्छा रिश्ता आया हुआ है तो आपको कुंडली मिलान करके आगे जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्यादा आप विलंब करेंगे तो फिर गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट आपकी राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे मिथुन राशि में, वहां पर फिर विवाह के लिए स्थितियां कमजोर हो जाएगी आपके लिए, इस बात को समझना होगा। इसके देखिए एक छोटा सा योग ये भी बनेगा कि अक्टूबर में, यानी 2025 के अक्टूबर में गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में वक्री होंगे, यानी आपकी राशि से 9th हाउस में जाएंगे। वहां पर 1-1.5 महीने के लिए आपके विवाह योग बनेगा, परंतु वो ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आप कोशिश करिए कि मई से पहले आपका विवाह हो जाए। तो दर्शकों, इस प्रकार की स्थिति बनती है आपके लिए विवाह योग की। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट के थ्रू कुंडलियां देखी जाती है, तो आप हमसे जरूर जुड़िए। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।